हेलो बच्चों, तो स्वागत है स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे अब एनसीईआरटी फिजिक्स, ठीक है। और इससे पहले हम लोग इसका सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या हमें 11th क्लास में पढ़ना है ना। और चैप्टर वाइज आप लोगों का पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर भी स्टार्ट कर लेंगे और सिलेबस भी जानेंगे कि नहीं क्या क्या मतलब पढ़ा जाए। तो देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11th का हम लोग सिलेबस के बारे में जानेंगे कि सिलेबस क्या क्या है हमारा। और मान लीजिए कि चैप्टर का नाम भी जान लेंगे और सिलेबस का जो है उसमें क्या क्या पढ़ना है प्रत्येक चैप्टर में, वो जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो चैप्टर होता है हमारा वो होता है अध्याय एक, जिसे हम लोग भौतिक जगत कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? भौतिक जगत। और इसे अंग्रेजी में कहा जाता है फिजिकल वर्ल्ड। ओके, क्या कहा जाता है दोस्तों? फिजिकल वर्ल्ड। नेक्स्ट जो दूसरा आ जाता है हमारा अध्याय दो, इसे हम लोग कहते हैं इकाई एवं मापन, जिसे हम लोग कह सकते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और तीसरा अध्याय आता है हमारा अध्याय तीसरा सरल रेखा में गति, जिसे हम लोग कहते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, और फिर आ जाता है आपका चौथा, जिसे हम लोग कहते हैं समतल में गति, और इसे हम लोग कहते हैं मोशन इन अ प्लेन। सभी को अच्छी तरह से आप देखिएगा और हम प्रत्येक चैप्टर को आपको डील करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो देखिए आगे हमारा जो है पांचवा जो हो जाता है हमारा गति के अध्याय पांच, गति के नियम, जिसे लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए छठवा जो है हमारा, तो छठवा जो है हमारा कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, जिसे हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर कहते हैं, ठीक। फिर अध्याय हमारा जो सात आता है कणों के निकाय एवं घूर्णी गति, जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। और इसे इंग्लिश में कहा जा सकता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। ओके, अब उसके बाद आठवा हमारा हो जाता है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, जिसे जानने के लिए बहुत सारे बच्चे उत्सुक होते हैं। तो ये सभी का अच्छी तरह से आपको प्रिपेयर कराया जाएगा आपको, है ना। तो इसे कहा जाता है ग्रेविटेशन, ठीक। और जो नौ नंबर में आ जाता है हमारा अध्याय नौ जो है ठोस के यांत्रिक गुण कहलाते हैं, जिसे हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स कहते हैं। इसी प्रकार जो अध्याय दस है हमारा, इसे कहते हैं हम लोग तरलों का यांत्रिक गुण, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। उसके बाद अध्याय हमारा 11 आ जाता है और इसे कहा जाता है द्रव्य के तापीय गुण, है ना, और जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसके बाद जो अध्याय हमारा 12वां आता है 12, उसे हम लोग कहते हैं ऊष्मा गतिकी, जिसे हम लोग कह सकते हैं थर्मो डायनामिक्स। ओके, अब उसके बाद अध्याय आ जाता है हमारा 13, जिसे हम लोग कहते हैं गैसों के अणुगति सिद्धांत, ठीक। तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। और इसी प्रकार हमारा जो 14 आ जाता है अध्याय 14, उसे हम लोग कहते हैं दोलन, ठीक है, जिसे हम लोग ऑसिलेशन भी कहा जा सकता है ना। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑसिलेशन। चलिए आगे हमारा अध्याय जो 15 है हमारा तरंग गति, जिसे हम लोग वेव्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ क्या भौतिक का जो कि अध्याय चैप्टरों का जो नाम था वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। और जिसमें देखिए हम लोग जो है शुरू करेंगे अध्याय एक नहीं अध्याय दो को शुरू करेंगे, ठीक है। और अध्याय दो में हम लोग जानेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और जिसे हम लोग इकाई एवं मापन कहते हैं, ठीक है। तो इसका शुरुआत हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी। तो भौतिक जगत, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि भौतिक जगत कैसे पढ़े सर, है ना। तो ये आप अपने बुक्स में से पढ़ सकते हैं, भौतिकी का परिभाषा होता है, औद्योगिकीकरण के बारे में बताया गया होगा, ठीक है, यही सब के बारे में बताया जाता है। तो वो आप अपने से भी पढ़ सकते हैं। मेन जो आपका थ्योरी स्टार्ट होता है इकाई एवं मापन से ही शुरू होता है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों देखिए हम लोग देखेंगे अध्याय एक, या हम इसे कह दे अध्याय दो, ठीक है। अध्याय एक तो खुद ही आप पढ़ेंगे, तो अध्याय दो हम पढ़ेंगे, है ना। और जिसे हम लोग कहते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, या हम लोग इसे इकाई एवं मापन कहा जाता है, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि हम लोग सबसे पहले
इकाई का मतलब तो एक होता है, ये तो आप जानते ही हैं। और मापन क्या है तो देखिए सबसे पहले कि समझ लेते हैं, उसके बाद नोट्स मैं बना के रखा हूं और आप उसे रफ फेयर पे अपना नोट्स बना लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो इसे सबसे पहले समझ लेते हैं कि मापन क्या चीज होता है ना, मापन का क्या परिभाषा निकल सकता है और उसके बाद मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। फिर उसके बाद जानेंगे कि भौतिक राशियां क्या है, क्योंकि ये सब भी जरूरी पड़ जाते हैं। भौतिक राशियों के प्रकार क्या होते हैं, कितने होते हैं भौतिक राशियां, उसके बाद फिर मात्रक का बारी आ जाता है, मात्रक के बारे में जानेंगे, ठीक है, वगैरह वगैरह। मतलब बहुत सारा है जिसको आप अच्छी तरह से अभी स्टडी करेंगे, है ना। तो सबसे पहले बात उठता है कि मापन क्या है, मापन क्या है ना। तो अगर मैं आपको अगर एक गिलास दे दूं, ये हमारा गिलास, गिलास में अगर ये मैं वाटर दे दूं यहां पर, ये हमारा गिलास हो गया और यहां तक मान के चलिए कि पानी भरा हुआ है, ठीक, पानी भरा हुआ है। और हमने बोला कि ये बताइए कि इसमें पानी कितना भरा हुआ है, तो आप इसको बताने के लिए क्या माप करेंगे, कोई यूनिट का आप मतलब जरूरत पड़ जाएगा आपको, है ना। मान लीजिए कि मैं बोला कि आप इस पानी का गर्म बताइए कि ये कितना गर्म है, तो आप छूकर तो बता दीजिएगा कि गर्म कितना है ना, लेकिन जब इसका एक्चुअल में ताप बताना होगा तो आप इसको मापेंगे, है ना, कि इसका ताप क्या होगा, ठीक है। केल्विन में मापेंगे ताप, ताप को किसमें मापेंगे, केल्विन में मापेंगे, ठीक, किसमें मापेंगे, केल्विन में। अगर हमने बोला कि चलिए आप ये बताइए ये जो है हमारा एक प्रकार का छड़ है, क्या हमारा छड़, और हमने बोला इसका मापन कीजिए आप, तो आप क्या करेंगे, एक इंच लेंगे जिसपे आपका सेंटीमीटर दिया रहेगा, है ना, और आप इससे क्या करेंगे, मापेंगे, ओके। आप इस लंबाई को मापने के लिए इसका यूज किए, तो मीटर स्केल का किए आप, है ना, एक स्केल का आप किए जिसमें सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक, और इससे आप मापेंगे कि नहीं ये दो सेंटीमीटर है कि पांच सेंटीमीटर है या दस सेंटीमीटर है। उसके बाद अगर नेक्स्ट में हम लोग ले ले एग्जांपल, जैसे कि हमने बोला कि ये दो आलू है, ये दो आलू है मान लीजिए, या कुछ भी टमाटर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए आप, है ना। मैं बोला कि ये बताइए ये कितना, इसका वजन कितना है, तो आप इसे उठाकर ये बता सकते हैं कि ये कितना भारी है, लेकिन मैं पूछूं कितना वजन है, तो अब आप क्या करेंगे कि आप इसे बटखरा रख के तराजू पर मापेंगे, है ना। मान लीजिए कि आप किलो में माप लिए तो आप बताएंगे कि यहाँ पे बटखरा आप ले लेंगे, ठीक है, और इससे आप क्या कर लेते हैं, मापते हैं, है ना, और आप बताते हैं कि नहीं मतलब ये एक केजी है टमाटर या आलू या दो केजी है। तो अब देखिए यहाँ पर तीनों चीज पे यहाँ पे कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, ताप को मापने के लिए आपको क्या चीज का जरूरत पड़ा, तो आपको केल्विन का, है ना। और उसके बाद हमने बोला कि इस छड़ की लंबाई मापिए, तो छड़ की लंबाई को मापने के लिए आपको स्केल का जरूरत पड़ा, जिसे हम लोग मीटर स्केल भी कह सकते हैं ना, इंच का, इंच से आप इसको माप पाएंगे। अब हमने बोला कि आप इन दो टमाटरों का वजन मापिए, तो उसके लिए आपने बटखरा का यूज किया, है ना, बटखरा जानते हैं ना, जिसे हम लोग तराजू से, तराजू पर रखकर और एक तरफ उसको रखते हैं और एक तरफ वस्तुओं को रखते हैं जिसे हमें खरीदना होता है ना। तो ये जो बटखरा है, फिर ये हमारा इंच है, और ये ताप जो मापने का केल्विन है हमारा इकाई, है ना, ये सब क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड यूनिट्स या मानक मात्रक कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं दोस्तों, मानक मात्रक, ठीक। अब इन मानक मात्रकों से हम लोग क्या करते हैं, इस लंबाई को तुलना करते हैं, जैसे कि हमने इस स्केल की सहायता से इसको मापा, तो हमने इसका जो है तुलना किया इस स्केल से, ठीक। अब इसके टेम्परेचर को हम लोग तुलना किसे कर रहे हैं, तो केल्विन से कर रहे हैं, ठीक है। और इसी प्रकार इसका जो वजन है हम किलोग्राम वाले बटखरा से कर रहे हैं, केजी से। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, तुलना करना ही हमारा मापन कहलाता है ना। तो अब आपको मापन के बारे में एनालिसिस बढ़िया से हो गया होगा। चलिए इसका परिभाषा देख लेते हैं कि किस प्रकार है हमारा।
तो दोस्तों इसका मापन का क्या परिभाषा हो जाएगा? तो हम बता दें अब आपको कि किसी भौतिक राशि यानी किसमें जो पानी है ना, किसी भौतिक राशि की उसके मानक मात्र को यानी कि केल्विन जैसे हमने मापा है ना, या हम लोग कह दें कि सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा हमारा, इंच क्या हो जाएगा हमारा, मानक मात्रक हो जाएगा है ना। तो हमने क्या बोला कि किसी भौतिक राशि की उसके मानक मात्रक को से तुलना करना, यानी कि अब इसका हम लोग हम तुलना कर रहे हैं ठीक, किससे, तो इस इंच से तुलना करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है हमारा, मापन। तो फिर से हम समझाते हैं कि किसी भौतिक, ये हमारा भौतिक राशियां हो गया, क्या हो गया, भौतिक राशियां। तो हमने बताया आपको कि किसी भौतिक राशि की उसके मानक मात्रकों से तुलना करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। किसी भौतिक राशि की उसके मानक मात्रकों से तुलना करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा मापन है ना। तो चलिए मापन का परिभाषा देख लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार है हमारा। तो वही यहां पर लिखा हुआ है परिभाषा में कि किसी भौतिक राशि की उसके मानक मात्रकों से तुलना को मापन कहते हैं ठीक है। तो ये हमारा जो है मापन का परिभाषा हो गया। अब बात उठता है कि मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्वेश्चन है आपसे कि मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो चलिए आप बताइए, तो आपका आंसर होगा कि मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो यहां पे आप बोलेंगे कि जब भी मापने का जरूरत पड़ा तो मापन की आवश्यकता पड़ी है ना, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं होगा, ऐसे ही हुआ, लेकिन फिर भी कैसे हुआ ये आपको एनालिसिस होना चाहिए ठीक है। मतलब ऐसा बताइए उसको कि जो अगर मान के चलिए अगर आपसे पूछ भी दिया, क्वेश्चन भी अगर आ गया, तो आप उसका आंसर किस प्रकार देंगे, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेते हैं ठीक है। तो इसको आइए विधिवत हम लोग जानते हैं कि मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी। मापन की आवश्यकता, तो मापन की आवश्यकता में हम लोग देखेंगे अभी कि जैसे कि मैंने कहा आपसे कि चलिए आप बताइए कि ये दो लड्डू है, क्या है हमारा, लड्डू, लड्डू कह लीजिए, या हम कह दे इसको आपको एग्जाम्पल लेके बता देते हैं। मान लीजिए कि दो पत्थर हैं ठीक है, ये एक और थोड़ा और साइज में कर देते हैं हम आपको है ना, और मान लीजिए कि ये हमारा एक पत्थर ये है और एक पत्थर ये है ठीक। हमने बोला कि ये दोनों पत्थर आप क्या कीजिए कि उठाइए है ना, तो आप उठा लेंगे इसे है ना, और उठाएंगे तो मैं बोलूंगा कि चलिए बताइए कि इन दोनों में से कौन सा भारी है, तो आप क्या करेंगे इसको उठाकर बताएंगे कि ये कम भारी है इस वाले से है ना। लेकिन अगर मैं पूछूं कि ये कितना भारी है, तो आप खाली केवल महसूस कर सकते हैं कि ये भारी है और ये हल्का है, और आप ये नहीं बता सकते एक्चुअल में कि रियल में ये कितना वजन है, कितना किलोग्राम है और ये कितना है ना। जैसे कि अगर मैंने दिया आपको, मैं बोलूं आपको कि ये एक तार है हमारा और ये हमारा एक दूसरा तार है। हमने बोला कि चलिए बताइए इन दोनों तारों में से कौन सा लंबा है, तो आपका आंसर होगा ये वाला लंबा है। हमने बोला कौन सा छोटा है, तो आप बोलिएगा ये छोटा है। हम बोलेंगे कि अब क्वेश्चन आपसे आपसे पूछेंगे कि चलिए ये बताइए कि ये कितना लंबा है, तो यहां पर अब आपका आंसर बंद हो जाएगा, क्योंकि तो यहां पर क्या होगा, एक मापन की एक स्टैंडर्ड यूनिट की आवश्यकता पड़ेगी है ना, जिसे आप बताएंगे कि नहीं ये कितना मीटर है, चाहे कितना सेंटीमीटर है, उसकी सहायता से है ना। जैसे अगर मैं पूछूं कि कोई व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति दौड़ रहा है, क्या कर रहा है दोस्तों, तो दौड़ रहा है, मान लीजिए कि दौड़ रहा है ठीक। अब दौड़ रहा है तो मैं पूछूं कि ये तो आप देख रहे हैं, चाहे कोई एक व्यक्ति है जो पैदल चल रहा है, क्या चल रहा है हमारा, पैदल चल रहा है, और एक व्यक्ति हमारा दौड़ के चल रहा है ठीक है। तो मैं बोलूं कि तेज कौन चल रहा है, तो आप बोलेंगे कि तेज चल रहा है जो दौड़ के जा रहा है, और धीमी कौन चल रहा है, तो ये चल रहा है। अब मैं आपसे पूछ दूं कि चलिए ये बताइए कि ये इसका ये किस वेग से चल रहा है, या इसका चाल क्या है, या हम यहां पे बोले कि ये किस चाल से चल रहा है या किस वेग से चल रहा है,
तो आप बता नहीं सकते हैं, है ना। ये बता सकते हैं कि ये तेज चल रहा है, ये धीमे चल रहा है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कितना मीटर पर सेकंड से चल रहा है वेग से, या कितने मीटर पर सेकंड के चाल से चल रहा है ना। तो ये बताना मुश्किल हो जाता है। फिर उसी प्रकार अगर मैं मान लीजिए कि किसी बर्तन में हमने पानी गर्म कर दिया, ठीक, क्या कर दिया हमने, पानी में ये कोई बर्तन है और इसमें हमने पानी गर्म कर दिया, ठीक, और एक हमने नलका से नल से पानी ले लिया, इस गिलास में भी हमने पानी ले लिया। मैं पूछूं आपसे कि कौन गर्म है और कौन ठंडा है, तो आप बताएंगे कि ये ठंडा है और ये वाला गर्म है। मैं पूछूं कि अब बताइए आप कि कौन सा, ये जो पानी है कितना गर्म है, तो आप प्रॉब्लम में पड़ने लगेंगे, है ना। तो यहां पर जो है आपको ये वजन बताने के लिए, इसका लंबाई बताने के लिए, इसका चाल बताने के लिए, या वेग बताने के लिए, इसका गर्म है कितना है या ठंडा है कितना है, तो ये बताने के लिए आपको आवश्यकता पड़ता है किसका, मापन का। और हमारे पास जो ज्ञानेंद्रिया है, जैसे हमारा कह दे कि मतलब कि जैसे कि आंख है और क्या नाम है जो हाथ है हमारा, ये सब इतना सक्षम नहीं है कि जो कि रियल आपको बता सके, है ना, या हम महसूस करके ये नहीं बता सकते कि रियलिटी में उसका वजन क्या है, एक्चुअल में यह गर्म कितना है। बस ये जान सकते हैं वो अधिक गर्म है या अधिक ठंडा है, या वो अधिक भारी है या वह बहुत हल्का है, वह छोटा है वह बड़ा है, बस यही बता सकते हैं। तो यहां पर एक्चुअल में रियल में आप उसका स्टैंडर्ड मान जो बताना होगा, वैल्यू, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक मापन की आवश्यकता, एक यूनिट्स की आवश्यकता पड़ जाएगी, है ना, एक मात्रक की आवश्यकता पड़ जाएगी, तो वहां पर आपको मापन की आवश्यकता पड़ जाती है। अब बात उठता है कि मापन, तो चलिए देख लेते हैं कि मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है ना। तो यहां पर देखिए कि भौतिक राशियों के परिणाम, परिणाम मतलब क्या होता है, रिजल्ट, भौतिक राशियों के परिणाम का पता हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से लगाते हैं, है ना। भौतिक राशियों के परिणाम का पता जो है हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से लगाते हैं, किंतु हमारी ज्ञानेंद्रिया केवल अनुमान ही बता सकती है, ठीक है, क्या कर सकती है, केवल अनुमान ही लगा सकती है या बता सकती है। राशियों का यथार्थ यानी कि जो रियल एक्चुअल वैल्यू है ना, परिमाण नहीं है, यानी कि उन राशियों का जो है हम लोग अपने ज्ञान इंद्रियों से क्या कर सकते हैं, जो यथार्थ है रियल मान है वो हम लोग नहीं बता सकते हैं, ठीक। और कभी कभी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्राप्त जानकारी सही नहीं होती है, ठीक है, आपको लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है, है ना। अतः इस स्थिति में भौतिक राशियों के परिणात्मक ज्ञान, मतलब राशियों के परिणात्मक, यहां पर थोड़ा सा ज्ञान होगा, ज्ञान, ठीक है, ज्ञान के लिए उनका मापन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यानी कि अब उनका जो मापन, जैसे कि आप देखे होंगे, जैसे मान लीजिए कि बारिश पड़ रहा है, वर्षा पड़ रहा है ना, वर्षा पड़कर और धीमे हो गए, एकदम खत्म हो गए समझ लीजिए, और बादल छाया हुआ है, तो कभी कभी क्या होता है कि हमें ऐसा अनुमान लगता है कि बारिश हो जाएगा लेकिन होता नहीं है, ठीक है, तो कभी कभी हमारा जो ज्ञान इंद्रिया है वो फेल कर जाती है वहां पर, है ना। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि भौतिक राशियों के परिणाम का पता हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से लगाते हैं, किंतु हमारी ज्ञान इंद्रिया केवल अनुमान ही बता सकती है, रियल में नहीं बता सकती है। राशियों का यथार्थ परिणाम, परिमाण नहीं, मतलब कि उसका रियल जो पार्ट है वो नहीं बता सकती है, और कभी कभी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्राप्त जानकारी सही नहीं होती है। अतः इस स्थिति में भौतिक राशियों के परिणात्मक ज्ञान के लिए उनका मापन अत्यंत आवश्यक हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही सिंपल था, ठीक है। तो अब जानेंगे हम लोग कि ये तो था हमारा कि सिलेबस, हमने देखा कि सिलेबस में मतलब कि हमारा कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना था, और हमारा मापन क्या है, और मापन की क्यों आवश्यकता पड़ी, ये सब के बारे में हमने जाना। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका, उसमें हम लोग जानेंगे कि भौतिक राशियां क्या है, ठीक है, और उनके प्रकार के बारे में जानेंगे, ठीक
ये सब के बारे में जानेंगे अच्छी तरह से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। वीडियो काफी लंबा हो रहा है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करें और जाके पूरा का पूरा अपना प्रिपरेशन जो है कर सकते हैं आप, है ना। तो चलिए।